आज तारीख हो चुकी है 26 जून। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है रणजी ट्रॉफी के फाइनल को लेकर। दरअसल रणजी ट्रॉफी के फाइनल में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स इसके साथ ही आरसीबी के खिलाड़ियों ने यहाँ पर बड़े शतक लगाए, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के सरफराज खान ने फाइनल मुकाबले मुंबई की तरफ से खेलते हुए यहाँ पर बड़ी शतकीय पारी खेली थी। इसके साथ ही रजत पाटीदार ने यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए यहाँ पर शतकीय पारी खेली है। तो कुल मिलाकर इन दोनों टीमों के लिए बड़ी कुछ खबर है कि यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म अब इन खिलाड़ियों को यहाँ पर इन टीमों को रिटेन करने पर मजबूर कर देगा। इन दोनों टीमों को अब इन खिलाड़ियों को यहाँ पर रिटेन करना होगा। जिस प्रकार से डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका फॉर्म रहा है, अब अपकमिंग आईपीएल एडिशन में भी इस प्रकार से ये फॉर्म दिखा सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन दोनों टीमों को आखिर यहाँ पर सरफराज को और पाटीदार को यहाँ पर रिटेन करना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो ये दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है कपिल देव की तरफ से। दरअसल कपिल देव ने रोहित शर्मा को लेकर एक यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहाँ पर रोहित शर्मा की इन्होंने आलोचना करी है इस आईपीएल एडिशन में। आईपीएल 2022 के एडिशन में रोहित शर्मा ने खेले गए 14 मैचों में से एक भी मैच में अर्धशतक नहीं लगाया था। रोहित शर्मा ने एक भी 15 नहीं बनाई थी। कपिल देव ने रोहित शर्मा की आलोचना करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 14 मैचों में अगर यहाँ पर किसी प्लेयर ने एक भी अर्धशतक नहीं लगाई, ओपनिंग करके भी यहाँ पर किसी प्लेयर ने एक भी अर्धशतक नहीं लगाई है, तो उस प्लेयर को कप्तानी करने का कोई भी हक नहीं है, टीम को लीड करने का कोई भी हक नहीं है। उस प्लेयर ने यहाँ पर कोई भी एग्जांपल सेट नहीं किया, तो यहाँ पर उस प्लेयर को यहाँ पर कप्तानी करने का, इसके साथ ही टीम को लीड करने का हक नहीं है। कपिल देव ने डायरेक्टली यहाँ पर रोहित शर्मा पर निशाना साधा है। रोहित शर्मा को इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया। आप कमेंट करके बताइए आप कपिल देव की बात से आखिर एग्री हो या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग क्या रोहित शर्मा को मुंबई की कप्तानी छोड़नी चाहिए या फिर नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम को लेकर अफगानिस्तान के यहाँ पर जार्डन ने यहाँ पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहाँ पर अफगानिस्तान के नजाइबुल्ला जार्डन ने ये बताया कि यहाँ पर विराट कोहली इनके फेवरेट प्लेयर और आरसीबी का ये आईपीएल में भाग होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आरसीबी की टीम इनको परचेस करे और आरसीबी की टीम को करंटली एक विस्फोटक ओपनर, एक बल्लेबाज की भी नीड है, तो शायद आरसीबी की टीम इनको टारगेट कर ले, इनके पीछे चली जाए। कुल मिलाकर जार्डन ने यहाँ पर आरसीबी की टीम को लेकर ये स्टेटमेंट दिया, और हो सकता है कि आरसीबी की टीम इस प्लेयर को परचेस कर ले, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि आईपीएल में अफगानिस्तानी खिलाड़ियों का अब दबदबा होने लगा है। राशिद खान के बाद और भी काफी सारे अफगानी खिलाड़ी अब आईपीएल का भाग बनने लगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी की टीम इनको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत आयरलैंड के पहले T20 मुकाबले को लेकर। दरअसल आज यहाँ पर रात 9 बजे हमें भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला देखने को मिलेगा, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यहाँ पर आज टीम इंडिया मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर हार्दिक पांड्या का इंटरनेशनल लेवल पर एज ए कैप्टन ये पहला मुकाबला है। तो कुल मिलाकर आज टीम इंडिया की यहाँ पर यंग टीम के सामने यहाँ पर आयरलैंड को हराने का एक बड़ा चैलेंज रहेगा, जहाँ पर आयरलैंड में कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, तो आयरलैंड भी यहाँ पर बराबरी का अब मुकाबला करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज के मुकाबले में कौन सी टीम को जीत मिलेगी, कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा। आप बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है फैफ डू प्लेसिस की तरफ से। दरअसल फेफ डुप्लेसिस को अब साउथ अफ्रीकाई क्रिकेट बोर्ड रिटायरमेंट वापस लेने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर फेफ डुप्लेसिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग साल भर पहले अनाउंसमेंट यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी थी। इसके साथ ही अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि डुप्लेसिस कम बैक करके अब T20 वर्ल्ड कप, जो कि 2-3 महीने बाद होगा, इस वर्ल्ड कप का भाग बने। स्पेशली डुप्लेसिस का यहाँ पर एज ए कैप्टन आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, बल्ले से भी और कप्तानी भी इन्होंने काफी अच्छी करी थी। तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि रिटायरमेंट को वापस लेकर अब वर्ल्ड कप का भाग बने, वर्ल्ड कप टीम का ये भाग बने। तो कुल मिलाकर अब टोटली ये फेफ डुप्लेसिस पर डिपेंड करता है, और आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी कुछ खबर रहेगी कि अगर डुप्लेसिस रिटायरमेंट वापस लेकर वर्ल्ड कप खेलते तो आईपीएल में ये अच्छे फॉर्म के साथ लौटेंगे, आईपीएल में अच्छी प्रैक्टिस अच्छे फॉर्म के साथ ये कमबैक करेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग फेफ डुप्लेसिस को आखिर रिटायरमेंट वापस लेकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली ने अब दोबारा
कमबैक कर लिया। विराट कोहली दोबारा से फॉर्म में दिखे, जहां पर कल प्रैक्टिस मुकाबले में विराट कोहली ने यहां पर 67 रन की पारी खेली थी। इस पारी में यहां पर काफी आकर्षक इन्होंने शॉट्स लगाए थे। तो कुल मिलाकर अब लग रहा है कि विराट कोहली यहां पर पांचवें टेस्ट मुकाबले से पहले अब दोबारा से यहां पर फॉर्म में दिख रहे। हो सकते हैं कि पांचवें टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली यहां पर जो इनकी शतक का लंबा 2.5-3 साल का इंतजार रहा है, उस इंतजार को अब तोड़ दे और पांचवें टेस्ट मुकाबले में शतक जड़ दे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या विराट कोहली पांचवें और आखिरी टेस्ट मुकाबले में शतक जड़ पाएंगे या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है संजू सैमसन सूर्य कुमार यादव की तरफ से। दरअसल संजू सैमसन सूर्य कुमार यादव आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कमबैक करेंगे, जहां पर सूर्या तो अपने इंजरी से कमबैक कर रहे हैं। इनकी तो यहां पर टीम इंडिया में जगह पक्की थी, तो अपने इंजरी से कमबैक करके आज स्ट्रेट वे प्लेइंग 11 का भाग बन जाएंगे। नंबर 3 नंबर 4 पर हमें ये बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही संजू सैमसन को भी आज यहां पर स्ट्रेट वे पंत की जगह प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, जहां पर पंत को इस सीरीज में सेलेक्ट नहीं किया गया, इंग्लैंड की सीरीज के लिए रिजर्व रखा गया। तो आज यहां पर सैमसन को भी अब प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। तो सैमसन और सूर्या की अब वापसी हो रही है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन दोनों का आज कैसा प्रदर्शन रहेगा, इन दोनों में से कौन सा बल्लेबाज यहां पर सबसे अधिक रन स्कोर करेगा। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है एशिया कप की एक्सपेक्टेड डेट को लेकर। दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से एशिया कप की हमें एक्सपेक्टेड डेट देखने को मिली। इसके अकॉर्डिंग 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच हमें एशिया कप देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली 27 अगस्त को एशिया कप की शुरुआत होगी, 11 सितंबर को इस टूर्नामेंट का हमें फाइनल देखने को मिलेगा। और इसके बाद तो यहां पर लगभग 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में हमें 4 महीने यहां पर 2 T20 के बड़े टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप कौन से टूर्नामेंट को लेकर आखिर सबसे अधिक एक्साइटेड हो। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।